राधे राधे। जय श्री कृष्णा जी। बीना जी की किचन में आप सभी का स्वागत है। ये हमने गोलगप्पे के लिए और दही बल्ले के लिए, टिक्की के लिए, बर्गर के लिए ये सौंठ बनाई है और बनाना सिखाते हैं कैसे बनती है ये। तो हम ये इमली की चटनी बनाने जा रहे हैं। चटनी बनाने के लिए हमें इतना ये गुड़ चाहिए। ये 300 ग्राम हमने गुड़ ले लिया है और 100 ग्राम इमली ले ली है। इमली को हम धो लेते हैं। और एक इमली आती है गुठली वाली, ये हमने गुठली वाली नहीं ली है, ये ऐसी वाली ले ली है। बिना गुठली के भी बाजार में मिल जाती है, देखो हमने ऐसी मंगाई है ये गुठली, ऐसी भी इसमें गुठली नहीं है। तो इमली को हमने अच्छे से धो लिया है। अब हमने एक पतीला ले लिया है यहाँ पर, ये पतीले में पानी ऐड कर देते हैं। इतना पानी रख देते हैं ये इमली डूब जाए। तो हमने गैस पे पतीला रख लिया है, तो यहाँ गैस जला लेते हैं हम। इसको उबाल आ जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और दूसरा हम इसे पतीले को दूसरी गैस पे रख देते हैं। और इस गैस पे हम रख देते हैं कढ़ाई और इस वाली गैस को जला देते हैं पतीले वाली को, इमली वाली को। तो ये हमने ऑयल वाली कढ़ाई ले ली है, ऑयल था इसमें कम कर दिया है हमने। तो हमने ये गुड़ लिया है, ये गुड़ भी इसी में डाल देते हैं हम ऑयल में। अब इसको पिघलाएंगे हम इस गुड़ को। तो गुड़ में हमने पानी नहीं दिया जरा सा भी, ये सारा गुड़ पिघल गया। इधर इमली में उबाल आ गया है तो हम गैस बंद कर देते हैं। हमने चाशनी नहीं बनानी है, इस तरीके से गुड़ चाहिए हमें। अब हम इमली वाली भी गैस बंद कर देते हैं, उसमें भी उबाल आ गया। और इसको ठंडा होने के बाद इसको मसल लेंगे, फिर बताएंगे हम। हमने यहाँ गैस जला लिया और फ्राईदान गैस पर रख लिया है। तो हमने ये खरबूजे के बीज डाल दिए, तो बीज चटकने लग गए अच्छे से। और गैस को बंद कर देते हैं, इतने ही चाहिए हमें। तो इमली को हम ठंडी कर रहे हैं, ये देखो इस तरीके से हम मैसर से मैस देंगे। कितनी गाढ़ी हो गई है, ध्यान रखना है। एक बिना बीज वाली आती है और एक बीज वाली आती है इमली, हमने ये बिना बीज वाली ली है बाजार से। ये देखो बस 5 मिनट के लिए इसे उबालना है। तो यहाँ पर हमने एक छलनी ले ली है ये, और छलनी में सारी इमली डाल देंगे। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इसको, देखो निकल रही है ना ये, इसका इतना फल निकला है। इसको हम बाद में निकाल लेंगे जो हमारे दाल में काम आ जाएगा, कढ़ी में काम आ जाएगा सारा। ये देखो, ये देखो बाद में निकाल देंगे इसको हम। ये देखो कितनी अच्छी निकली है, ये चटनी सी बन गई ये इमली, देखो खट्टी। तो ये गुड़ हमारा तैयार हो गया है। ये देखो हमने ना इसकी चाशनी नहीं बनानी, तार वाली। अब जो इमली का ये हमने सारा जूस निकाला है,
ये इसके अंदर डाल देंगे हम और इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो देखो कितना अच्छा उबाल आ रहा है गुड़ में और इमली में। गैस को कम कर देते हैं हम, धीरे धीरे इसको पकने देते हैं। तो यहाँ पर हम ये भुना हुआ जीरा डाल देते हैं, एक चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्च है दरदरी, ये भी डाल देते हैं, और ये दो चम्मच काला नमक है ये भी डाल देते हैं। ये एक चम्मच सौंफ है दरदरी, ये भी डाल देते हैं हम। ये एक चम्मच ये भुना हुआ जीरा है साबुत, इसको भी डाल देते हैं हम। और एक चम्मच देगी मिर्च है ये भी डाल देते हैं। ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है आधी चम्मच, ये भी डाल देते हैं। देखो खट्टा और मीठा तो बैलेंस बनाने के लिए हमने ये कुटी हुई मिर्च डाली है आधी चम्मच, तो खट्टा मीठा और चटपटी चटपटी। तो यहीं पर ये हम बीज भी डाल देते हैं सारे खरबूजे के जो हमने रोस्ट करे थे। ये देखो बन गई ना चटनी, खट्टी मीठी तीखी चटपटी चटनी बनके तैयार हो गई है हमारी। अगर इसे एक हफ्ते खाना है तो बस अब गैस बंद कर दीजिए, अगर इसको एक महीना छः महीने खाना है तो इसको लगातार चलाते रहने चाहिए, लगातार रहने चाहिए। इसमें थोड़ी सी चाशनी जैसे धागे आने लगे, चाशनी बन जाए, जैसे चाशनी में धागे आते हैं ना, इस तरीके से हम पकड़ेंगे तो ऐसे आने चाहिए, तो वो एक महीने चलेगी ये चटनी। इसमें थोड़ा सा उबाल और आ जाए तो हम गैस बंद करते हैं अभी। ये चटनी बनके तैयार हो गई है, अब इसमें अब हींग डालेंगे हम, लास्ट में हींग डालेंगे। ये भुनी हुई हींग रखी है इसमें, लास्ट में इसलिए डाली हमने, इसमें खुशबू बनी रही है। ये देखो ये तो हींग डाल के हम चला लेते हैं, हींग डालना बहुत ज़रूरी है चटनी में। और इस चटनी को दही बल्ले के साथ खाइए, बर्गर के साथ खाइए, गोलगप्पे में भी डाल के खाइए, और टिक्की के साथ भी ले सकते हैं इसको। ये देखो कितनी अच्छी चटनी बनी है गुड़ और इमली की, ये देखो दानेदार बनी है चटनी है। और हमने एक जार ले लिया है यहाँ साफ करके, एक जार में स्टोर करके रख लेते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं हम तो निकाल के डाल सकते हैं उस चीज़ पे। तो सारी हम सॉल्ट एक जार के अंदर
पलट लेंगे। और ध्यान रखें सिल्वर के बर्तन में ना रखें, ये तो हमने बना ली है सिल्वर के, बनाना तो चलता है एक बार सिल्वर की कढ़ाई में, ना स्टील के बर्तन में रखें, सिर्फ कांच के बर्तन में ही रखें इसको। ये शॉर्ट वाली वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस तरीके से ज़रूर बनाना एक बार ये शॉर्ट, बहुत टेस्टी बनती है और कम समय में बनती है। घर में गुड़ हो, इमली हो बस, और बिना बीज वाली लेनी चाहिए इमली को, हमने बिना बीज वाली ली थी, फटाफट से देख लो छान लिया और इसको उबाल लिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना सॉस ये हमारी शॉर्ट कैसी लगी। इसको ठंडा करके ही भरे जार के अंदर, गरम करके ना भरे। और ये हमने ज़्यादा ना गाढ़ी बनाई है ना ज़्यादा पतली बनाई है, देखो किस तरीके से बनाई है। अगर ज़्यादा आपको गाढ़ी लगे तो इमली का पानी बाद में, ये बचा हुआ था हमने छान लिया, बोला था ना हमने दाल के अंदर डालेंगे तो कच्चा पानी ना डालें, ये कच्चा है, उबाल के इसको पानी को और इसको चला सकते हैं दोबारा से, तो ये पतली हो जाएगी।